हाय माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो चेहरे पर कुछ भी लगाते हैं तो फायदे की जगह उन्हें साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। वहीं किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पर उनके चेहरे पर पिंपल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आप एक बार कच्चे दूध यानी कि रॉ मिल्क में ये दो चीजें मिलाएं, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग ग्लास स्किन जैसी बनेगी, चमकदार। और अगर आपके पुराने से भी पुराने पिंपल्स जो मार्क्स हो जाते हैं वो भी इसको ट्रीट करने में हेल्प करेगी रेमेडी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क, ये हमारे फेस एंड नेक के लिए परफेक्ट है एंड इतनी ही क्वांटिटी में आपको अभी यूज करना है। अब हम रॉ मिल्क इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये रिच होते हैं विटामिन बी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, कैल्शियम एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन होते हैं इसमें, जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं जब हम इसको एवरीडे यूज करते हैं। ये हमारी स्किन सेल्स को नरिश करते फ्रॉम विद इन, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है पूरे दिन के लिए। एंड इसको और भी अच्छा बनाने के लिए आपको अनदर इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज विटामिन ई कैप्सूल्स। ये मैं एवॉन के विटामिन ई कैप्सूल यूज कर रही हूँ 200 mg के। आप लोग कोई भी विटामिन ई का ऑयल भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, बट आप लोग किसी भी ड्रग स्टोर मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हो, वहाँ इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड इसका आप स्टॉक बना लीजिए बिकॉज ये हेयर रेमेडी स्किन रेमेडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं एंड हमेशा आपको यूज आएंगे एंड बहुत अच्छे बेनिफिट भी देंगे। तो इसको मैं कॉटन बॉल के हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। कॉटन बॉल के हेल्प से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जितने भी मेरे फेस पे गंक, ऑयल, डर्ट है वो सारी मेरी कॉटन बॉल में एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड मेरा फेस डीपली क्लीन हो जाएगा। एंड जितने भी मेरे फेस पे पोर्स हैं वो भी डीपली क्लीन हो जाएंगे बिकॉज उनमें क्या होता है कि पॉल्यूशन, डर्ट, गंक एंड ऑयल बहुत ज्यादा मिक्स होके पिंपल क्रिएट करते हैं, डार्क स्पॉट बना देते हैं। तो उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रॉ मिल्क उसको अच्छे से क्लीन करेगा बिकॉज इसमें क्लेंजिंग एजेंट होते हैं, हाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो हमारी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है एंड हमारी स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। ये इतना अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, इसको आप फेस वॉश की जगह सिर्फ रॉ मिल्क आप यूज कर सकते हो। एंड इस पूरी रेमेडी को आप लोग वीक में 2 बार यूज करिए फॉर अमेजिंग रिजल्ट। अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप लोग इसको वीक में 1 बार यूज कर सकते हो बिकॉज क्या होता है कि हम विटामिन ई जो रहते हैं वो हमारी स्किन के पोर्स को क्लॉक कर देता है अगर हम इसको बहुत बार यूज करेंगे। बट अगर आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम यूज करोगे तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं इसको अपने पूरे फेस पे नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ एंड 10 मिनट्स तक लीव कर देती हूँ। मेरी ड्राई स्किन है एंड सेंसिटिव स्किन है तो ड्राई स्किन वालों के लिए आप 10 मिनट्स तक लीव कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इमीडिएटली वॉश कर सकते हो नॉर्मल वाटर, इससे आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने आपके साथ प्रोडक्ट भी शेयर कर दिया है कि कौन सा डिस्कलरेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, तब वो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। बट अगर आप लोग ये रेमेडी को यूज करोगे तो गाइज आपकी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट। एंड रॉ मिल्क तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी यूज करते हैं तो हम क्यों यूज नहीं करें, अभी हमें करना चाहिए। इनफैक्ट हमारी लॉन्ग टर्म में स्किन बहुत हेल्दी रहेगी इससे। एंड अगर आप लोग फेस वॉश जैसे कि केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी जगह पे अगर रॉ मिल्क, एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, कर्ड, हनी, ये सारी चीजों को यूज करोगे तो आपके डेफिनेटली स्किन में बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा, आपकी स्किन हमेशा हेल्दी एंड सॉफ्ट रहेगी एंड यूजफुल रहेगी। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ये रेमेडी आप डेफिनेटली यूज करिए एंड अमेजिंग रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी रेमेडीज देखने के लिए फ्यूचर में, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।